रेडी होगी, चौधरी साहब आ रहे हैं, उनके साथ मैं जा रही हूँ। और आज हम चौधरी साहब से फुल आजादी मांगेंगे, क्या चौधरी साहब हमें फुल आजाद कर दें कि जैसे मर्जी आज मैं उनका व्लॉग बनाऊं, जरा सा भी टूट रहा और ना नू नहीं होनी चाहिए, बस यही होना चाहिए बनाओ बनाओ बनाओ। तो आप एंड तक वॉच करें, आप सब इस व्लॉग को एंजॉय करें। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आजादी मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। तो आज मैंने फाइनली अपना वो भाई जश्न आजादी वाला ड्रेस पहना हुआ, और जश्न आजादी के लिए फाइनली मैं तैयार हुई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान का व्हाइट और ग्रीन झंडा है, और व्हाइट और ग्रीन ड्रेस मैंने पहन रखा है, और आज यहाँ पर सबने ही ऐसे ड्रेस पहन रखे हैं। तो आगे चल के आज आपको सबकी लुक दिखाते हैं। बच्चों आप भी बोलो, सुमी डटे माए कप्पे, डटे माए कप्पे। सीधी हो, सीधी हो। दोनों जने बड़े खुश हो गए आप ये तो बेचारे। ये है मेरी आज की फुल लुक, आप मेरा ड्रेस देख लें, इस तरह का सारे सारे बने हुए ट्राउजर में और शर्ट पे बने हुए हैं, चार सारे दोनों मिक्स और दुपट्टे पे भी। और ये मेरा वही ड्रेस है जो पिछले साल मैंने पहना था, क्योंकि भैया एक ही बार पहन के रख दिया मैंने, कभी इसको तो लॉन्ग टर्म पहन सकते हैं क्योंकि एक बार पहना तो बार बार इसको पहन सकते हैं। तो चले मिलते हैं अभी आपको, और भी कुछ दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। अभी फ्रेश हुई हूँ, शावर वगैरह लिया है, रात तो पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत टेंशन बनी, लेकिन अभी भी वो टेंशन मेरे दिमाग से निकल नहीं रही। तो सीन कुछ ऐसा था जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा भी ड्रेस मैंने रेडी करके लगाया जो रात को मैंने पहना था, और अगर रात को हमने बाहर जाना था तकरीबन 11:30 के करीब, और 12 बजे जैसे ही पाकिस्तान में जश्न होता है, आतिशबाजी होती, ये वो सब कुछ अपने व्लॉग में आप सबको दिखाते, लेकिन उसके कुछ क्लिप मेरी फ्रेंड ने जाते हुए बनाए थे। जब वो लोग वापस गए थे तो हल्ला गुल्ला रोड पे था, खैर वो लेट ही गए थे, जो थोड़ा बहुत उन्होंने बनाया था वो इस व्लॉग में लगाऊंगी, क्योंकि मैं तो फिर बाहर ही नहीं गई, इस परेशानी की वजह से मैं जा ही नहीं सकी, जो हमारे घर में आग लगी थी। तो अभी मैंने अपने दिल को खुश करने के लिए, और उस चीज को, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुझे भी मतलब उस आजादी के लिए खुश होना चाहिए और जश्न मनाना चाहिए। मैं तो हर साल मनाती हूँ, और मैं इतनी जिंदा दिल हूँ, आप लोग जानते, मैं कोई इवेंट मिस नहीं करती, और हर इवेंट को मेरी कोशिश होती है कि बढ़ चढ़ के अच्छे से मनाने की और खुश रहने की। और अल्लाह सबको खुश रखे, और इस जश्न आजादी की खुशी में आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से जश्न आजादी मुबारक हो। हर इंसान आजाद होता है जो वो अपनी मर्जी वाला होता है, ऐसे ही हमारा मुल्क भी आजाद है, हम अपनी मर्जी वाले हैं, कुछ भी हो जाए, कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपना मुल्क अपना ही होता है, अपनी कंट्री अपनी ही होती है। जैसे हम अपनी कंट्री में, जैसे हम अपने घर में रहते हैं, वैसा कहीं पे भी नहीं रह सकते। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने खुद के दिमाग से वो निकालने के लिए जो सीन मैंने कल अपने घर में देखा है, तो अभी मैंने भी अपना 14 अगस्त वाला ड्रेस पहन लिया है, और मेरा तो खैर ये पिछले साल का ही पड़ा था, मैंने नहीं लिया था, और बाकी सबके हमने मैंने मंगवाए थे, सुम्मा का भी मंगवाया था, अजीम का भी मंगवाया था नया ड्रेस, जो कि रात को भी बच्चों ने पहने थे। मैंने कहा पहले पहने के गंदे कर लेंगे, जब हम लोग बाहर जाने लगेंगे ना तो नहला के इनको फटाफट पहना देंगे, लेकिन 8-9 के दौरान हमारे घर में ये हादसा हो गया, जिसकी वजह से हम बच्चे भी इतने परेशान हो गए। जीम तो बहुत परेशान था, जीम थोड़ा सा बड़ा है ना, और उसको वो इस चीज का हो गया था कि आग लग गई तो हमारे घर में आग लगेगी, हमें नहीं बचना, लेकिन उसके दिमाग से फिर उसको गले चले, मैंने बाद में बिलगाया, वो चीज मैंने निकाली, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, आग तो बुझ गई थी, हमें कुछ भी नहीं होना था, हम तो ठीक है। उसको मैंने कहा वॉशरूम में हमारी खिड़की, मैंने कहा हमने तुम्हें इधर से बाहर निकाल देना था, तुम तो यहाँ चले। बच्चा है ना, उसके दिमाग में एक वो डर बैठ गया था। सुम्मी को तो इतना पता नहीं, अभी सुम्मी उधर मैं दरवाजे में, सुम्मी मेरी टांगों में घुस रही, बाहर जाके देख रही, मैंने कहा पीछे हट जो, सनी की जो छोटी बच्ची थी वो भी मेरे साथ बाहर, मैं बच्चों को अंदर धक के फटाफट मैंने दरवाजा बंद किया, हालांकि निकलना तो हमें बाहर चाहिए था, अंदर नहीं आना चाहिए था, बाहर दरवाजा बंद था, और बिल्कुल दरवाजे के आगे वो बाइक थी, और जो आग मैंने देखी थी उसके करीब से बिल्कुल मैं ना गुजरती, कुछ भी हो जाता, तो अंदर की तरफ ही जाने की कोशिश की। फिर मैंने चलो मैंने चोई साहब को क्वेश्चन किया, मैंने कहा मतलब जिस सिचुएशन में हम फंस गए थे, दरवाजे में आग थी, वहां से बाहर जाने का हमारे पास रास्ता नहीं था,
सीढ़ी को भी आग अपने लपेट में ले रही थी। ऊपर जाते कैसे, किधर जाते, क्या करते हम। उसने कहा कि फायर ब्रिगेड वाले तो पता नहीं कब आते कब नहीं आते, ये जो घर में पानी के टैंकर लेके आते हैं ना। उसने कहा उनके मेरे पास काफी सारे 7-8 लोगों के नंबर हैं। मैंने उनको फोन करना था, मतलब वो जितने भी थे फौरन फौरन वो पानी के टैंकर लेके बोले पहुंचे। उनका प्रेशर भी काफी होता है। तो उसने कहा इस तरीके से मतलब हमने अपने बचाव की कोशिश करनी थी, बाकी होगा तो जो वही जो अल्लाह को मंजूर है। जब इंसान की दिन वक्त पूरा हो जाता है तो उसको इंसान टाल नहीं सकता किसी भी तरीके। मेरी कल की सांस यहाँ बैठ के आप लोग सोच रहे होंगे बोल कैसे नहीं। मेरी पास मेरी सांस बिल्कुल यहाँ पे अटकी है। मुझे पता नहीं एक अजीब सी चीज मेरी बॉडी में, जब मैंने वो सीन बैठ देखा था ना, ऐसे मेरा पूरा जिस्म कांप गया था उसको देख के, और वो चीज मेरे दिमाग से नहीं जा रही कि बाहर निकलूं किसी और तरफ ध्यान लगाऊं और उस चीज को बढ़ाने की कोशिश करूं। तो मैं बता रही थी सुम्मा के भी 14 अगस्त के कपड़े मंगवाए, सुम्मा की मामा के भी मंगवाए और अजीम के भी मंगवाए, और अभी बच्चे तो नए कपड़े देख के आप लोगों को पता है वो तो रुकते ही नहीं, हमें तो पहनने। तो वो कह रहे हमें पहनाओ, मैंने कहा चलो ठीक है आप लोगों को भी पहनाती हूँ और मैं खुद भी पहनती हूँ, आप सब रेडी हो जो, आप सबकी वीडियो भी बनाती हूँ ताकि बच्चों का दिमाग थोड़ा सा उस चीज से भी बाहर निकल आएगा। तो उम्मीद है आज हम अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे, आपको जरूर पसंद आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं शावर लेके आई हूँ, अभी बच्चों को रेडी करती हूँ, तो आप सबसे फिर मिलते हैं। जो कल मैंने बनाई थी वाइट कढ़ाई, हरी मिर्च और लेमन वो, और साथ में रहता है और पराठा है, उसके ऊपर मैंने लेग पीस रखा है। और अभी हम नाश्ता खा रहे हैं, मेरा शहजादा भी नाश्ता कर रहा है। अच्छा जी, रहता भी लिए, सब नाश्ता कर रहे हैं। इसके बाद हम तैयार करती हूँ आपको, ठीक है। 14 अगस्त वाले कपड़े पहने मेरे बेटे ने। अच्छा, फिर तैयार शेयर होते हैं। तो व्यूअर्स पहले हमने नाश्ता वगैरह किया, ब्रेकफास्ट किया, थोड़े फ्रेश फ्रूश हम हो रहे हैं, और अभी फाइनली मेरे बच्चे फ्रेश होने जा रहे हैं। चलो मेरे बच्चे हो जल्दी से नहा के आओ, और मेरे बच्चे बाहर जो हमारे घर के बाहर ट्यूबवेल जैसा पानी आता है ना, वहां पर सुम्मा और जीम को भी नहला रहे, नहा के आते हैं अपने 14 अगस्त के कपड़े पहनते हैं, बच्चे खुश होते हैं। चलो पहले आप नहा लो जीम, और बच्चों की बनाते वीडियो, बच्चे नहाने से नाराज हो गए कि पहले मैंने नहाना है। चलो जिम नहा लो आप, जल्दी जल्दी आओ नहा के, ठीक है। और रात को जब हमारे घर आग लगी थी उस टाइम ये जो ट्यूबवेल जैसा पानी आता है ये भी जा चुका था, 8 बजे चला जाता है, और ये वाकया उसके बाद पेश आया था। चलो इनको नहलाते हैं, इनको कपड़े पहनाते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखे ये कौन है, इधर आओ आगे, यहाँ आओ यहाँ, दोनों जन ऐसे आओ ऐसे। चलो अस्सलाम वालेकुम करो, ऊपर सर उठाओ, अस्सलाम वालेकुम। दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, जश्न आजादी मुबारक, जश्न आजादी। आप क्यों नहीं बोल रही, जश्न आजादी मुबारक बोलो, डटे मारे डी। क्या सुन में डटे मारे डी, कल भाई आग आपने लगाई थी, आग आपने लगाई थी, नहीं जिम आपने देखी थी आग ना, हाँ। कितनी लगी हुई थी, ओए जिम बहुत डर गया था। अच्छा चले अभी ये देखे जी हमारे बच्चे प्यारे प्यारे, इन्होंने जो है जश्न आजादी के ड्रेस लिए थे, तो मैंने कहा आग पहन लो इसको, इधर इधर खड़ी, इधर खड़ी, इधर खड़ी हुई दिखा जरा, कैसी लग रही हो दिखा, ये क्या लगे हैं, हैं ये क्या लगे बटन, बोल ही नहीं लिखूंगी। इधर आजिम आपके क्या बनाए, चांस सारा, अभी कैसा लग रहा है कपड़े पहन के, सही लग रहा है, और आपको कैसा लग रहा है, सामने आपको कैसा लग रहा है, उधर बताओ ना, ठही अच्छा लग रहा है, ये रुको ना इधर देखो, सुम्मी अभी खुद को देख रही, इसने हमारी बात बहुत सुननी को नहीं, मेरा ब्लॉग खराब कर रहा है, जब मैंने देना नहीं बनाना, जीम बोलता जीम का बनाऊंगी, तुम बोलती नहीं हो, किधर बोलती, जब मैं बुलाती हूँ तो उस टाइम तुम बोलती नहीं हो। अजीम आप खुश हो, कितना कल क्या कर रहे थे रात को आप, नहीं उससे पहले जब इधर बाहर क्या हुआ था आग, तो आप अंदर क्या कर रहे थे, रो रहा सी, करीब आओ जरा, क्यों रो रहा था,
आग की वजह, आग की वजह से रो रहा था। कैसे रो रहा था? ए तू कर रहा था आए पापा आए पापा, पापा की याद आ रही थी। फिर अभी खुश हो? फिर मैंने अपने बेटे को बताया कुछ नहीं होता। जब मैंने आपसे पूछा जीम क्यों रो रहे थे तो आपने क्या बताया था मुझे? पापा की वजह। आग से डर गया था? अच्छा सुमी आपने मेरी पप्पी नहीं दी, इतनी सोनी आई तैयार हुई हो, दे दो एक। ये टेंड किसकी है गंदी? किसकी टेंड है? तेरी है। और जुमे खत्म होगी, सारे जुमे गई टेंड के साथ। टेंड किसने करवाई है इधर आके बता रहा, तुम्हारी टेंड किसने करवाई है? बेबे ने करवाई है। वाह जबरदस्त, चलो खेलो व्यूअर्स, मिलते हैं फिर जरा। तो व्यूअर्स आप सब ने हम सब की लुक देखी, अजीम की लुक देखी, सुम्मा की देखी, मेरी देखी, तो आप सब ने बताना कि हम आपको कैसे लग रहे थे। और कोई बाहर का प्लान अभी हम सोचते हैं जाना कि नहीं जाना। और इसके बाद आपको वो क्लिप भी दिखाएंगे जो मेरी फ्रेंड ने बना के रात को हमें भेजे थे जब हम बाहर नहीं गए थे, तो वो वाले क्लिप भी आप इंजॉय करें। उसके बाद फिर हम आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। ये है जी सुम्मा की मामा का, ये उसकी शर्ट है कुछ इस तरह से व्हाइट कलर की। तो ये है जी ऊपर उसका व्हाइट ग्रीन झंडे वाला दुपट्टा, और जो नीचे ट्रोजर पड़ा और अभी वो भी पहनेगी। शुम्मी ने पहन लिए, जीम ने भी पहन लिए। व्यूअर्स अभी इन बच्चों ने कोई डिमांड कर दी मुझे, क्या चाहिए आप दोनों को? पैसे। आपको क्या चाहिए? पैसे। पैसों का क्या करोगी? चीज मंगानी। आपने क्या करना है? पैसे खुले करा के लाने। अच्छा चलो एक एक नोट दोनों जने ले लो। आप बताओ क्या कहना है, क्या कहना है बताओ? फूफो जान थैंक यू। आपने क्या कहना है? जान फूफो थैंक यू। जान फूफो थैंक यू, नहीं फूफो जान थैंक यू। इधर देख के बोलो फूफो जान थैंक यू। फूफो जान थैंक यू। आपने क्या बोलना है? चलो चीज मंगा लो, बेबे के साथ चले जाना ठीक है, और ले आना। बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी है जी सुम्मा की मामा के 500, तो ठुम्मा का 100, ठुम्मा को काम मिले। चलो अभी अपना हाथों के कपड़े बेटे पहन लो ठीक है। ओके ठुम्मा, अम्मी जी अम्मी जश्न जादी मुबारक कर लो। अच्छा मार्केट से बहुत अच्छी खूबसूरत और प्यारी, उधर से सस्ती भी मिलेगी।
तो भाई व्यूअर्स फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मुझे है अभी जाना विद माई हस्बैंड। पता नहीं कहाँ जाना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपके साथ इस व्लॉग में कुछ अच्छे से खूबसूरत से अपने मोमेंट शेयर करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज मैं जो हिसाब से आजादी मांगूंगी, भाई आज जश्न आजादी है, मुझे आजादी दे के आज जैसे मर्जी मैं आपका व्लॉग बना सकूँ। देखते हैं फिर क्या होता है, ये देखने के लिए आप इस वीडियो को देखें। आज है जी 14 अगस्त और घर से हम फाइनली निकल गए हैं, मैं और माड़ी जान। पता नहीं कुत्ते झुले हैं दो नहीं पता, असाने मिशन जड़े होने इसे तरह ही होने, बस चलो घरों निकलो तो भाग जी सोचता फिर फैसला कर सा। यानी हम कहाँ जा रहे हैं हमें कुछ मालूम नहीं है, घर से हम बाहर निकला है तो हम वहां को देखते देखते सोचेंगे हमने क्या करना और कहाँ जाना है। तो काफी वहां बाहर निकली हुई बाइकों पे गाड़ियों पे पैदल इधर उधर हर तरफ से, मौसम बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, एसी मैंने एक नंबर पे चलाया हुआ है, फिर भी अच्छी खासी मुझे सर्दी लग रही, क्योंकि इससे पहले तूफानी बारिश हुई है। तो खैर आम इस्लामाबाद की तरफ रमा दम है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करते हैं। ये देखें लोग कैसे रोडों पे बैठे हैं, अभी मजे ले रहे हैं, इस रोड के ऊपर आने की बैठने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे जैसे लोग आज आए हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जश्न आजादी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर लोगों की गाड़ियों की रेसें लग रही है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट किस्म की लोग गाड़ियां जैसे कि किसी इवेंट पे लेके निकलते हैं, उन्होंने इसीलिए सजाई होती है, तो वो ले लेके आ रहे जा रहे, तो आम जो है उनको देख देख के एंजॉय कर रही, हमें भी कुछ ऐसा देखने को मिला तो हम आप सबको जरूर दिखाएंगे। तो ये है जी हमारा फैजाबाद का मेन पॉइंट, यहाँ पर आप देखें कितनी आवाम है, और ये पाकिस्तान का झंडा लेके जा रहे हैं माशाल्लाह, इन्होंने बहुत बड़ा झंडा बनाया है। तो ये देखें कितने सारे लड़कों ने उठाया है, सब आ रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ वीडियोस बना रहे हैं, साथ साथ इन चीजों को देख देख के खुश हो रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, जैसे कि आज जश्न आजादी है। तो भाई हम भी निकले हैं मनाने और देखते हैं कि हम मनाते हैं क्या गवाते हैं, अभी कुछ पता नहीं, और रश है बहुत ज्यादा, काफी देर के निकले हुए लेकिन बस रश में फंसे हुए हैं। अच्छा लग रहा है, मैं अभी देख रही हूँ। तो व्यूअर्स जैसे ही हम घर से आ रहे थे, आप लोगों ने पीछे देखा ही होगा, तो मेरी फ्रेंड ने फाइनली मेरी लुक की हुई जी चेंज, अगली खुद चुटिया पकड़ के मेरी आगे ला रही, ऐसी फ्रेंड होगी फ्रेंड ने मेरी जान जिकर। तो इन साल आप कड़े ब्लॉग में क्यों लाते, अभी नहीं बाद में आएगी, थोड़ी पुरानी कर ले फिर लाएंगे, मजाक कर रही ठीक है, उसको ब्लॉग श्लॉग बनाना पसंद नहीं है। तो अभी हम कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं वो फिर बताते हैं। आज हम जो है ना 14 अगस्त मनाएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो मैं बैठ गई, लिफ्ट बंद है, हमने जाना है ऊपर, मैंने कहा लिफ्ट चलेगी तो जाएंगी। अच्छा बताओ लिफ्ट खराब है तो ऊपर कितनी मंजिले जाना है हमने? 27 मंजिले। 27 मंजिल है, फिर मैं नहीं जाऊंगी, फिर मैं इधर ही बैठूंगी इधर ही इधर, जब तक लिफ्ट नहीं चलेगी कोई नहीं जाएगा। अब बुर्ज खलीफा पे गई है? बुर्ज खलीफा पे मैं गई, पैदल थोड़ी गई थी बुर्ज खलीफा पे, बुर्ज खलीफा पे मैं लिफ्ट में गई। पता करो किसी से कब चलेगी लिफ्ट, ये चाह रहे कि उसको चक्कर चक्कर देके ऊपर ले जाएगा, मैं नहीं जा रही हूँ, लिफ्ट में जाऊंगी फाइनली। तो फाइनली भी हम लिफ्ट में आ गए हैं, ठीक है, और लिफ्ट के अंदर मैंने कहा लिफ्ट चलेगी तो जाना, मैंने वरना मैंने कोई नहीं जाना, तो लिफ्ट चल गई और अब हम जा रहे हैं ऊपर।
हम जो ना खिंच खुच के शीशा पता नहीं कैसे खींचते, मैं अन्य भाई खींची उसको समझ नहीं आई किस तरह खींचते, तो बात सब जो है ना वापस सजा रहे हम लोग। तो ये देखें कितना खूबसूरत सजाया हुआ था, मुझे बहुत खूबसूरत लगा, तो छोटा सा एक क्लिप मैंने इसका भी बना लिया। भाई वहाँ से निकले तो फाइनली आगे हम डिनर करने के लिए यहाँ पर, तो ये है आज का हमारा डिनर। वो रहता नहीं लेके आया दही वाला, चलो ले आएगा। खैर अभी थोड़ा थोड़ा खाते हैं। अभी हमने खाया खाना, एफ्टर में खाते सब्जी थे, उनका खाना मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा चले यहाँ से खाते हैं, और यहाँ से खाने के बाद अब पहले मेरी फ्रेंड की तरफ जाएंगे, उनको छोड़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखते क्या होगा। तो अब इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मुझे नहीं जाना।